ये मैं आपको एक ढंग से सुनाता हूं। तो पहले क्या है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो यह प्रतिक्रिया पहले नासिका द्वारा हम सांस लेते हैं और अभी जो सिद्धांत है कि अभी नासिका द्वारा हम ये सांस छोड़ते हैं, लेकिन इसमें ये अजगर मुद्रा में क्या है कि मुख द्वारा सांस लेने का है और नासिका द्वारा उसको छोड़ने का है, इसको ये अजगरी प्राणायाम कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मुंह फाड़ के सांस अंदर लेने का और मुख बंद करके नासिका द्वारा प्रत्यारोपण करने का।
इसी ढंग से ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पहले करने की और इसमें कोई जल्दी और जोर नहीं लगाने का, बड़े शांति से ऐसे करने का।
करके फिर वो मैंने ध्यान करके बताया इसी ढंग से वो कीजिए। बिल्कुल प्रकार बैठ के वो दाढ़ी जो है वो ये गले के भीतर लग जानी चाहिए और बड़ी शांति से बैठ रहना और जो ओंकार ध्वनि भीतर की है वो आप सुनते रहना। मैं उनको बाहर से ले आया हूँ फिर आगे की प्रतिघोष क्रिया और फिर करेंगे। आप भीतर का ओंकार सुनने की चेष्टा करें मैं बाहर का सहकार मैं आपको स्वर से देता हूँ।
मैंने जो अभी बताया और फिर आपको जो ज्ञान के प्रक्रिया में मैंने बिठा दिया और मैंने वही ओंकार व्यंजन और प्रतिघोष का स्वर मैंने लहराया। इसके आधार पर आपको हर रोज यही प्रक्रिया जो आपके पास मैं बार बार उनको पेश कर सकता हूँ, वही प्रक्रिया को आप करते रहेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। एक बात की यही सूचना अभी देखता हूँ कि अभी जो यही उपासना में और ध्यान की प्रक्रिया में जो बैठे अब वो जब घर अपने घर वापस जाए तब आज के दिन सिर्फ दूर चले, क्यों कि खाने पीने से ये जो ध्यान की प्रक्रिया का जो आनंद है वो फिर अन्न में कोष में और ऐसे ही आलस्य में चला जाएगा। एक दिन इसी ढंग से एक शंख का उपवास, उपवास मतलब दूध पीने की सब कुछ छूट, लेकिन दाल रोटी ये कुछ नहीं खाने का, तो इससे बड़ा लाभ होगा। इतना कष्ट आज करना पड़ेगा। अब एक दूसरी बात मैं आपको सुना देता हूँ। कहीं पत्र में ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल का आया है लिखा, तो जब दोबारा हमारा प्रोग्राम यहाँ हो जाएगा तो एस्ट्रल ट्रैवल किसी ढंग से करने का, इसके लिए बड़ा फलसफा चाहिए, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ कोई घबराने की बात है नहीं, लेकिन सबको पूर्ण की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी सोता है तो उनका शरीर बाहर निकालने की प्रक्रिया है, आपको वैसे भी नहीं करने का है, लेकिन भीतर से शरीर कैसे निकलते हैं इनका एक पूरा 6 घंटे का प्रयोग है। तो ये ऐसे हॉल होने चाहिए कि जहाँ सारी रात्रि हमारे साथ चल रहे, यही घर समझने का। तो क्या है कि आपको जो आनंद सूक्ष्म शरीर का जो आनंद है वो मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो बात करने की है वो मुझे करने की है। इसमें क्या है कि आप जब कहेंगे तो मैं आपको कितने सजेशन देता हूँ। सजेशन क्या है कि उसी टाइम पर आपके फर्ज जो है वो तो मेरा कारोबार चलेगा। तो शरीर को निकालना किसी ढंग से और आपको पता लगे कि ये शरीर निकल के क्या देखता है तो आप होंगे साल, लेकिन जब मेरा सत्संग जब चर्चा होगा तो आप सुनते भी होंगे और मेरे देखते भी होंगे। अपने शरीर के पास सब बैठे हुए आपको अनुभव में आएंगे। ये प्रक्रिया इसलिए बताना चाहता हूँ कि शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो कितना कामयाब होता है और क्या क्या लाभ वो ब्रह्मांड से और जगत से उठाता है। कई आदमी जो हमारे ग्रुप के कहीं कहीं से है उनको एक्सरसाइज तो आज से 15-25 साल पहले मैंने सिखाई है। जो पॉनर्स है जिसको कभी आने जाने का लिए पैसा खर्च होता है तो मैंने ये मदद की क्रिया इसी ढंग से सिखाई कि ये हवाई यात्रा वैसा नहीं लगे। तो क्या है कि जगत की कोई भी कोने में जाके आप अपना आनंद ले सकते हैं। अभी कितने स्पेशल ट्रेन और ऐसी सब यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी ये यात्रा ये सुख से ऐसी सुंदर होगी
कि आप चाहे किसी ना कोई यात्रा दिन में 10 बार करो कोई हल नहीं, कोई अपग्रेड ड्यूटी कोई कुछ नहीं देगा। और यदि द्वार बंद हो भगवान का तो आपको जाने की सुख है। द्वार व्यवस्था के बंद हो तो भी हम अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे दर्शन का और सत्संग का और यात्रा का लाभ यही सूक्ष्म शरीर का रहता है। फिर अंतरिक्ष में जो महामंडल है और पितृमंडल है, हमारे भूतपूर्व ऋषि मुनि हैं जो अंतरिक्ष में विराजमान है, उनका दर्शन सत्संग लाभ और अपने बुजुर्गों जो पितृ हैं उनको मिलना जुलना, तो आत्म प्रकार का आनंद ऐसा रहेगा कि हम किसी से बिछड़े नहीं हैं। और अपने बुजुर्गों जो पितृ हैं उनको मिलना जुलना, तो आत्म एक प्रकार का आनंद ऐसा रहेगा कि हम किसी से बिछड़े नहीं हैं। जो तो भगवान से बिछड़े हैं और न अपने परिवार से, न अपने पितरों से, न अपने बुजुर्गों से, तो इतना आनंद और लाभ यही सूक्ष्म शरीर का उत्थान से हमको मिलता है। ये कहीं की ऐसी समझ है कि ये तो कोई भूत शरीर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल बॉडी उसे काउंटर पार्ट ऑफ द फिजिकल, जैसे हमारा बच्चा है तो हमारा शरीर का है, दूसरे का नहीं। लेकिन यही जैसे रामायण में आता है कि हनुमान जी जब आसमान से उड़ता है और उनका जो परछाया समुद्र में पड़ता है, तो वहाँ जो समुद्र की राक्षस थी उसने परछाया पकड़ लेने पर हनुमान जी को नीचे आना पड़ा। ऐसा रामायण में ये प्रमाण है, तो क्या है परछाया पकड़ने से वो कैसे आता है? तो सूक्ष्म शरीर और जो फूल शरीर है वो दोनों के साथ एक ऐसी दूरी जुड़ी हुई है, तो जिसका आधार पर एक दूसरे का संबंध है, वो जैसे बाहर गए हैं वैसे ही शरीर में वापस आ जाते हैं। और हमारे ऐसे बहुत से व्यक्तियों ने उनका लाभ उठाया है कि इसका आनंद मिलता है। तो अगले व्यक्ति यदि मौका मिला और आप सबका जो सहकार जैसे अभी से मिला है, तो क्या है जो उसका पूरे ढंग से और अच्छे ढंग से सदान प्रदान को बाजे पर रख दीजिए, ऐसे उसका पूरा लाभ मिले। तो यदि यदि मौका मिल गया और साथ में सबका सहकार मिल गया तो हम बताने के लिए और भी तैयार। अभी बहुत से चीज बाकी है जो अनुभव करने की है, जो तो गहरा शास्त्र है और गहरा अनुभव है। आगे जो है तो जैसे सूक्ष्म शरीर है, इसी ढंग से यही सूक्ष्म शरीर से हमारा जो मनस शरीर है वही भी आपको उसका भी अनुभव करना है, कारण से उसका भी अनुभव करना है, वो सब देखना है। तो किसी ढंग से सारा आध्यात्मिक रिकॉर्ड जिसको पुराणों में चित्रगुप्त की किताब कही, उस कैसे सब शरीर में कर्म धर्म है बेकर में, वो सब हम देख सकते हैं इसी प्रक्रिया का ज्ञान से लेता। तो एक छोटी बात पे संतुष्ट नहीं रहने का और आगे आगे के लिए जो चीज हम बताना चाहते हैं इसमें आपकी भी पूरी तसल्ली और पहचान मुझे चाहिए कि सच्ची जिज्ञासा से आप सब सीखना चाहते हैं। ये बात खुले इसलिए कहता हूँ कि हमारा जो स्वामी जी आत्मानंद प्रसुद्ध है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो शास्त्र है वो किताब में रह जाता है और अपने गुरु के पास रह जाते हैं। कभी कोई बेकार आदमी उसको सीख लेते हैं, सीखने पर वो कभी बड़े हो जाते हैं, फिर भी वो कुछ अहंकार में आ जाते हैं, उसके पास वहां की वहां चीज रहती है। तो ये मेरे ख्याल से जब ये चीज का फैलाव हो जाता है तो कहीं से कोई ऐसी ज्योति भी उत्पन्न हो जाती है कि हमारा बोलना और कुछ कहना सफल हो जाता है। इसी आधार पर मैं सबको खुला बताता हूँ और खुला सबूत कहता हूँ। अब एक दो भजन गा के फिर आज की सभा
विसर्जन करेंगे। वहां तक आप शांति से इसको सुनते रहिए। कल तो जो भजन हुआ तो थोड़े से आदमी को ऐसे निकल गया कि तो भजन है, लेकिन ये भजन नहीं है, ये स्वर की साधना है और वही स्वर का उत्थान। आज का जो भजन है ये कुंडलिनी का है, जो हमारे पायल प्रमाण स्वामी ने ये सुने थे मेरे पैर को